बड़ी खबर इंदौर से, शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई। जिला शिक्षा केंद्र इंदौर में हुई कार्रवाई। जिला परियोजना समन्वयक सीला मराबी मैडम रिश्वत लेते हुए ट्रैप। निजी स्कूल की मान्यता को लेकर मांगी थी 4 लाख की रिश्वत। एसयूवी कार में रखवाए 1 लाख रुपए, इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई जारी। सर, रिश्वत लेते हुए 1 लाख शिक्षा जी, लोकायुक्त की इंदौर इकाई ने आज जो है 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो यहाँ DPC हैं, जिला परियोजना समन्वयक सीला मेराबी, इनको ट्रैप किया है। कहानी इस प्रकार से कि जो आवेदक हैं हमारे दिलीप बुधानी, ये इनके 2 स्कूल हैं, MP पब्लिक स्कूल और MP किड्स स्कूल, दोनों इंदौर में ही संचालित हैं। तो इनका ये कहना है कि दोनों ही स्कूल को इन्होंने शासन से मान्यता ले रखी है और उसके विधि अनुसार उसका संचालन कर रहे हैं। वर्ष 19-20 से 23-24 के बीच में इनके जो स्कूल के 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसको लेके कोई इश्यू था, तो RTI एक्टिविस्ट हैं संजय मिश्रा, इनके द्वारा इनके परीक्षा से के संबंध बच्चों की परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारी चाही गई थी, जिसकी जो जाँच है वो मतलब DPC से चाहिए थी, तो DPC कार्यालय में चल रही थी। तो वो जांच को आगे जांच नहीं करने और संजय मिश्रा से सेटल करा देने के एवज में जो DPC हैं इनके द्वारा पहले 10 लाख रुपए की बात मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश साय साहब के समक्ष में उपस्थित होकर की गई थी। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन उपरांत जो है जो बातचीत में इनकी लेन देन तय हुआ 4 लाख रुपये का, उसी की प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि जो लेते हुए अभी DPC टीला मेरावी को हमने ट्रैप किया है। जो रिश्वत की राशि थी इनके द्वारा इनका जो वाहन है SU 500 उसमें उसकी डिक्की में रखवा दी गई थी, वहां से राशि बरामद करी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इनके ऊपर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।